देखिए प्यारे बच्चों, क्लास ट्वेल्थ में आपका एक बार फिर स्वागत है। मैं अजय सिंह। इसमें देखिए आपकी प्रश्नावली है 7O। 7O प्रश्नावली, कुछ सवाल थे हमारे, वो देखिए बकाया अभी। तो सवाल नंबर आपका कहता है, अगला सवाल नंबर 6 है कि लिमिट 0 से पाई बाय 2 dx अपॉन 4 sin स्क्वायर x प्लस 5 cos स्क्वायर x। लिमिट 0 से पाई बाय 2 dx बटे 4 sin स्क्वायर x प्लस 5 cos स्क्वायर x। तो 4 sin स्क्वायर x प्लस 5 cos स्क्वायर x। अब इसका हमको इंटीग्रल करना है। इंटीग्रल करना कैसे है कि पिछला हमने आपको बताया था कि किस प्रकार से करते हैं। तो इसमें देखा जाए तो cos स्क्वायर x को कॉमन ले लिया जाए तो हमारा आपको काम बन जाएगा। तो देखिए हम इसमें कॉमन लेते हैं cos स्क्वायर x, तो लिमिट 0 से पाई बाय 2 dx बटे, तो 4 कॉमन ले लिया हमने पहले cos स्क्वायर x, 4 sin स्क्वायर x बटे cos स्क्वायर x, यहाँ कॉमन आ गया, क्या बचेगा 5। चलिए 1 अपॉन cos, ये हो जाएगा sec स्क्वायर x dx बटे, अगर 4 को कॉमन भी ले लिया तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर x, 4 कॉमन आ गया तो 5/4 हो जाएगा आपका, ये ठीक है। अब इसको हम वर्ग के रूप में लिखा जाए तो 1/4 बाहर निकाल लिया, 0 से पाई बाय 2 लिमिट हो गई, और सवाल दिया गया है sec स्क्वायर x dx, ये हो जाएगा कुल मिला के रूट 5 अपॉन 2 का होल स्क्वायर प्लस 10 x का वर्ग, ठीक है। अब यहाँ tan x को t मान लेंगे, किसे मान लेंगे कि tan x को हम यहाँ पर t मान लेंगे, और tan को t मान लेंगे इसे क्या करना पड़ेगा, अवकलन करते हैं लोग, तो लेट tan x बराबर t, क्या करते हैं अवकलन, इसका हो गया sec स्क्वायर x dx बराबर dt। सवाल की ऐसी फॉर्म बनाइए कि सूत्र बन जाए और कुछ मानने पर तैयार है। तो tan x को t माना, इसका होता है sec स्क्वायर dx, आपका मिल गया है। अब इसको हम मान, जिस सवाल को माना जाता है उसका लिमिट बदला जाता है, तो आइए लिमिट की बारी हमारी है, तो लिमिट को चेंज कैसे करेंगे। तो जब x बराबर 0, कौन सी लिमिट है लोअर, x बराबर 0 यहाँ पुट करिए, tan 0 बराबर t, 0 बराबर t, ये आपका आ गया, और पाई बाय 2 x बराबर पाई बाय 2, देखिए tan पाई बाय 2 t ये होता है इनफाइनाइट, तो t की लिमिट निकल के आ गई 0 से इनफाइनाइट, तो 0 थी वो 0 रही, और जो पाई बाय 2 थी वो इनफाइनाइट का प्रयोग करेंगे। अब आपको ले चलते हैं सवाल नंबर, यहाँ हमने बोला था ना, तो आपका सवाल था कि 1/4 लिमिट 0 से इनफाइनाइट, ये हो गया डी टी, ये है रूट 5/2 का वर्ग, ये है टी का वर्ग, ये आपका हो गया टी टी, ये बाहर निकाल लिया ये वाला, ये आपका था ये टी का हो गया, ये होता है 1/a² + x², ये होता है 1/a, 1/4 आपका था क्या है 1/a रूट 5/2 tan इनवर्स टी अपॉन ए, टी ए रूट 5/2 लाइन ऊपर, और लिमिट 0 से इनफाइनाइट पुट की जाएगी, 2 ऊपर चला गया हमारा, तो 2/4 रूट 5 लिमिट का प्रयोग करेंगे तो tan इनवर्स
इन्फाइनाइट रखने पर यहाँ रखे इन्फाइनाइट से पूरा हमारा हो जाएगा इन्फाइनाइट हो जाएगा भैया, जीरो रखने पर हो जाएगा जीरो, तो टेन इनवर्स जीरो, ये कट गया दो बार तो वन अपॉन टू रूट फाइव। ये इनफाइनाइट वैल्यू टेन में कितनी होती है, नब्बे, फाइव बाई टू, तो टेन इनवर्स टेन फाइव बाई टू माइनस जीरो होता है वो, टेन आपका हट गया तो टू रूट फाइव इंटू पाई बाई टू और कुल आपका हो गया पाई बटे चार रूट फाइव। तो ध्यान रखिए कि सवाल को मान के किया था, जिस सवाल को मान के करेंगे लिमिट को बदलना पड़ेगा, लिमिट को बदल के यहाँ रखा जाएगा, इंटीग्रल करेंगे जो सूत्र बनता है उससे करने पड़ेंगे, और लिमिट अपर माइनस की लोअर, और लिमिट रखने के पश्चात आपका हल करना पड़ेगा वापस हल है या अंतराली। तो मैं जानता हूँ आपके समझ में आ गया होगा, आप क्वेश्चन नंबर देखिए अगला भाई, मेहनत करिए, सवाल आपके परीक्षा में आने वाले हैं, इम्पोर्टेंट प्रश्न आने ये तुम्हारे। अब अगला इसका क्वेश्चन देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन आपका कहता है, नौवा है, लिमिट जीरो से वन डी एक्स अपॉन एक्स प्लस इतना इतना। सवाल नंबर नाइन, इंटीग्रल लिमिट वन से टू डी एक्स अपॉन एक्स वन प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर। सवाल को ये देखना है कि इसका इंटीग्रल कैसे करना है ना, पहले इंटीग्रल करेंगे। चलिए इस कोष्ठक को टी मान लें, वन प्लस लॉग एक्स बराबर टी, अवकलन करने पर जीरो लॉग का वन अपॉन एक्स डी एक्स बराबर डी टी, तो वन अपॉन एक्स डी एक्स बराबर डी टी, इतना हमारा तैयार है। डी एक्स बटी एक्स, डी एक्स बटी एक्स बराबर डी टी, ये टी माना है, टी का वर्ग ऊपर ले जाएंगे, बात बन गई हमारी। अब लिमिट की बारी आती है, तो लिमिट को चेंज करिए, तो लिमिट ध्यान रखिए क्या दिया है, वन प्लस लॉग एक्स बराबर टी, एक्स का मान वन रखिए, तो वन प्लस लॉग वन बराबर टी, कब एक्स बराबर लॉग अनुमान शून्य होता है, तो वन बराबर टी, ये जीरो हो गया, वन आपका हो गया। अब रखें टू रखने पर, क्या रखने पर, एक्स बराबर टू रखिए यहाँ, जहां पे वन प्लस लॉग टू बराबर टी, इसको नहीं बदला जा सकता, तो ये हमारी लिमिट जीरो की क्यों रहेगी, एक लिमिट आ गई टी से वन, एक लिमिट आपकी आ गई है वन प्लस लॉग टू, जो लिमिट आया वो स्वीकार करनी पड़ेगी, ये नहीं कि अपनी चॉइस से ये सर अच्छी नहीं है, अच्छी बुरी से क्या मतलब हुआ। अब आप क्वेश्चन आइए, तो क्वेश्चन आपका बन जाएगा, वन की जगह वन ही रहेगा, इसकी जाएगा वन प्लस लॉग टू, और ये हो गया डी टी अपॉन टी स्क्वायर, डी टी अपॉन टी स्क्वायर, तो वन से वन प्लस लॉग टू, ये घात ऊपर ले जाएंगे तो माइनस की टू और डी टी करेंगे इंटीग्रल, तो टी घात माइनस टू प्लस वन होता है अपॉन माइनस टू प्लस वन होता है, और लिमिट को शो करना पड़ेगा वन से वन प्लस लॉग टू, ये बचेगा माइनस का, तो आ गया माइनस का, और टी की पावर माइनस वन, यानी वन अपॉन टी हम से कह सकते हैं वन से वन प्लस लॉग टू। अब लिमिट रखी जाए तो पहले इसे रखिए, इसे रखिए कहाँ, टी की जगह,
तो ये आपकी हो जाएगी माइनस का वन अपॉन वन प्लस लॉग टू माइनस वन, तो वन अपॉन वन ला सकते हैं। हमारा अब यहां लासा कुछ हमारा आ जाएगा भैया, आराम से कर लें। हमारा लासा आ गया वन प्लस लॉग टू, लासन का आ गया भैया एक बार माइनस, ये आप इधर आ जाएगा माइनस का वन हो जाएगा, माइनस का आपका लॉग टू हो गया, माइनस कट गया, माइनस माइनस प्लस लॉग टू बटे वन प्लस लॉग टू प्लस सी, ये आपका आंसर हो गया। तो ध्यान देने की बात है, इस ब्रैकेट को टी मान लिया, टी मान लिया, अवकलन जीरो, लॉग का वन कौन है डीएक्स डीटी, वन कौन है डीटी, इतना तैयार है। डीएक्स कौन है डीटी हो गया वन कौन टी स्क्वायर, वन कौन टी स्क्वायर, तो ऊपर ले गए लिमिट चेंज किया, एक्स मीन्स वन तो वन रखा, तो वन प्लस ये वन हो गया ना, लॉग वन का मानसून होता है तो जीरो, एक एक बचा आपके एक्स आप टू रखा, तो टू रखने पर वन प्लस लॉग टू, लॉग टू टी नहीं बदल सकते, तो आपकी लिमिट हो गई वन से वन प्लस लॉग टू। और आप इसे जानते ही हैं, इंटीग्रल लगाने पर आपका आंसर आ गया, हल करना है तो तुम्हारा फर्ज है। तो ये आपके सवाल इस प्रकार से भाई करने पड़ेंगे। चलिए अब इसमें भी आप देखिए कि सवाल हमारा पिछली प्रश्नावलियों के हैं, उसका इंटीग्रल तो आप जानते हैं, जब आपका पिछला इंटीग्रल नहीं आता है तो आप सवाल नहीं लगा पाएंगे। क्यों अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, अब आपके से बहुत सारे क्वेश्चन है, आप इसे लगा सकते हैं। अब देखिए सवाल नंबर आपका 18 मान दिया गया है, इंटीग्रल डीएक्स बटे 5 प्लस 2 cos x, लिमिट है 0 से π। ये तो मैं सवाल आपको अभी कुछ समय पहले ही कराया था, ये सवाल तो मैंने आपको कुछ समय पहले कराए थे कि cos x को हाफ एंगल खोलेंगे, यहाँ भी कुछ रखना पड़ेगा इंटू वन मान के, तब आपका आंसर आ जाएगा। चलिए मुझे आपका सवाल आ गया है, तो पहले हल कर लेते हैं, 0 से π dx/5, एक साइलेंट होगा ना तो यहाँ आ जाएगा sin स्क्वायर x बाई 2 प्लस cos स्क्वायर x बाई 2 प्लस 2 cos x आप एंगल, तो cos स्क्वायर एक्स वाई टू माइनस का sin स्क्वायर एक्स वाई टू, इतना होगा भैया cos x का सूत्र, ये आपको होता है हाफ एंगल में, तो हाफ एंगल जब ये खुलेगा तो जो 1 × साइलेंट में वो भी हाफ एंगल में ही खोलना पड़ेगा, और ये भैया सबके बटे है। अगर अंदर गुणा के तो 5 sin 5 cos 2 cos − 2 sin, तो 5 sin में से 2 sin कम हो जाएंगे, 3 कम बचेंगे, तो 0 से π dx/3 sin²x, 5 cos यहाँ आएंगे, 2 cos यहाँ, 7 cos²x/2 x बाई 2। और जो सवाल हमने पीछे किया था कि cos x को कॉमन लेते हैं, ये कॉमन ले लीजिएगा, ये कॉमन लेंगे तो आप पटी में जाएगा 0 से π, तो कॉमन लेने पर आपका हो जाएगा dx/cos²x/2, यहाँ बचेगा 3, बटे में आएगा तो हो जाएगा 10 tan²x/2 प्लस 7 कौन कौन cos x हो जाएगा, तो हो जाएगा आपके sec² x/2
डीएक्स बटे इसको तीन को कॉमन ले लिया जाए, ठीक है, तो आपका बटे में आ जाएगा यहाँ, क्यों हम इसे पूरा प्योर लंब चार देखे लेना, क्योंकि टेन एक्स वाई टू का हमारा होल हो जाएगा, तो इसको भी कॉमन ले लेते हैं। चलिए तो अब आपका हमारा कॉस तो कॉमन आ गया, ठीक है, इस तीन को कॉमन ले लें या रूट तीन को हम संग में ले लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए तो अब आपको हम ले चलते हैं उसमें चलो भाई करना तो पड़ेगा, तीन कॉमन ले लें तो क्या बचेगा, टेन स्केल एक्स वाई टू, यहां भी तीन बटे में आपका आ जाएगा तो सात बटे तीन। अब देखिए इसमें कुछ बदलाव करते हैं, लिमिट से जीरो से पाई मानी गई है, जीरो से पाई सेक स्केल एक्स वाई टू डी एक्स इसको बना लेते हैं रूट सात बटे रूट तीन का वर्ग, ये वाला है टेन एक्स वाई टू का वर्ग, इसको टी मान लें, माना के टेन एक्स वाई टू बराबर टी सेक स्क्वायर एक्स वाई टू, अब करेंगे एक्स वाई टू का वन वाई टू डी एक्स बराबर डी टी, तो सेक स्क्वायर एक्स वाई टू डी एक्स बराबर टू डी टी, तो जहां हमारा सेक स्क्वायर एक्स वाई टू डी एक्स है वहां आ जाएगा टू डी टी, ठीक है। चलिए अब इसका लिमिट को भी बदलना पड़ेगा, लिमिट को बदलिए भाई, आइए जीरो लिमिट आपकी है एक्स बराबर जीरो, तो जीरो रखिए आप यहां हो जाएगा अगर टेन जीरो बराबर टी तो जीरो आपका जीरो हो गया, और रखिए पाई रखिए तो टेन पाई बाई टू बराबर टी जो होती है अनंत होती है तो टी बराबर इनफाइनाइट, तो लिमिट आपकी आ गई जीरो से इनफाइनाइट। देखिए सवाल आपका अब हम यहां करेंगे, सवाल आइए लिमिट हो गई जीरो से इनफाइनाइट, कहां सवाल हमारा है, ए यहां पर है वन पॉइंट थ्री बाहर वहां था, हा टू और आ गए इंटू में टू या एन टू आ गया, ये डी टी हो गया, कहां हो डी टी, डी टी बटे ये रूट सात बटे रूट तीन का वर्ग और ये है टी का वर्ग, तो ये हो गया वन अपॉन ए स्क्वायर प्लस का एक स्क्वायर, ये होता है वन अपॉन ए और टू अपॉन थ्री वन अपॉन ए रूट सात बटे रूट थ्री टेन इनवर्स टी अपॉन रूट सात बटे रूट तीन, और लिमिट हमारा दिया है जीरो से इनफाइनाइट, इसको ऊपर हमारा चला जाएगा भैया तो रूट थ्री बटे दो दो भी ऊपर रहेगा बटे तीन इंटू रूट सात, ये आपका होगा, यहां लिमिट अगर रखी जाए तो टेन इनवर्स अगर इन्फिनिटी रखा जाएगा यहां तो हो जाएगा पूरा इनफाइनाइट, ठीक है, और जीरो का हो जाएगा पूरा जीरो, तो टेन इनवर्स जीरो, तो ये कट गया हमारा रूट थ्री बार कट गया तो आ गया दो बटे सात इक्कीस,
टेन इनवर्स इनफिनिटी वैल्यू टेन में पाई बाई टू होती है, टेन पाई बाई टू ये जीरो हो गया, ये आपका हट गया, कितना था पाई बाई टू, तो टू बटे रूट ट्वेंटी वन इंटू पाई बाई टू, टू भी कट गया तो आ गया पाई बटे रूट ट्वेंटी वन, यही आपका आंसर होगा। इसे आराम से देख रहे हैं आप लोग, ये आपका था वन पॉइंट थ्री हमारा है, ये कि डी टी कितना है टू डी टी है, तो टू आपका आ गया लिमिट टू कर दिया ये बन गया वन अपॉइंट ए स्केयर प्लस एच स्केयर, ये दिया गया है वन पॉइंट ए ए दिया टेन इनवर्स एक्स पॉइंट ए टी पॉइंट इतना हो गया, ये आपका लिमिट लगा दिया इन्फिनिटी पूरा अंत हो गया जीरो पे जीरो हो गया, ये आप जानते ही है अंत कर दिया, ये पाई बाय टू जीरो हो गया टेन हट गया पाई बाय टू, तो ये रूट तीन से तीन कट गया, तीन बार सात इक्कीस पाई बाय टू तो कट गया फाइव पॉइंट ट्वेंटी वन रूट में आपका आएगा, तो ये आपका आंसर हो गया। तो ध्यान रखिए सवाल हमारा बड़ा नहीं था, लेकिन जो पुराना मेथड से हमने किया है वही किया है, लेकिन लिमिट रखने के पश्चात और लिमिट को चेंज करने के पश्चात सवाल हमारा कभी बड़ा हो जाता है, ठीक है आप इसको करिए। तो आज फिर इतना ही, अब कल कराएंगे।